एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है, नजम सेठी ने बड़ा दावा कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी नजम सेठी का कहना था, मैंने पहले खबर दी थी कि इमरान खान को अब रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और अब ये जो नई डेवलपमेंट है कि लोग रिलीज होना शुरू हो गए हैं और अगर ये किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत रिलीज हो रहे हैं तो अब एक और डेवलपमेंट भी होगी। नजम सेठी ने कहा कि वो डेवलपमेंट ये होगी कि जो लोग रिलीज हो रहे हैं वो फिर सियासत में सामने आ जाएंगे और जो वुकला हैं उनको पीछे धकेल दिया जाएगा, यानी पीटीआई की पॉलिटिकल लीडरशिप फिर से सामने उभरेगी और इस सारी सिचुएशन का ये मतलब है कि यकीनन इमरान खान के साथ कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खुल गई है और इस बात के बहुत से इशारे नजर आ रहे हैं। ये बुशरा बीबी के बनी गाला जाने से शुरू हुआ। इसके बाद खान साहब का ये कहना कि मैं तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए हमेशा से तैयार हूँ, मैंने कभी इनकार नहीं किया। इसके बाद जमानतों का सिलसिला सबके सामने है और अब कोर कमांडर हाउस में पीटीआई वालों का अफ्तारी पर जाना और शेर अफजल मरवत की छुट्टी होना, क्योंकि वो बहुत हार्ड लाइन लेते थे, ये सब इशारे हैं। नजम सेठी ने मजीद कहा कि मैं समझता हूं कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जरूर कुछ पक रहा है और ये दोनों तरफ से बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। मैंने पहले भी कहा था कि ये मसले ऐसे पकड़ धकड़ से हल नहीं होंगे, इनके हल के लिए बातचीत करनी पड़ेगी, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और निगोशिएशन हमेशा बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, बस आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगता है नतीजे सामने आने के लिए।